वेलकम स्टूडेंट्स क्लास टेंथ। आज हम आपको केमिस्ट्री में पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने जा रहे हैं। इसे हिंदी में कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज हम आपको केमिकल रिएक्शन क्या पढ़ाएंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। और ये टॉपिक सभी एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। इस चैप्टर में जैसा कि आपको बताया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम है, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं, आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है और उसको कैसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जैसा कि ये लिखा हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में क्या होता है, जब हम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो आपको पता होगा मिल्क में होता क्या है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है। देखिए मिल्क का अगर हम बात करते हैं, मिल्क C12H22O11, ये हमारा शुगर का फार्मूला है। पहले तो आप लोग याद रखिए शुगर क्या होती है, आपको पता हो जो स्वाद में मीठे होते हैं शुगर, जानते हो शक्कर खाते हो घर में, वो शुगर जो है वो केन शुगर होती है। ऐसे ही देखिए मिल्क से जो शुगर प्राप्त होती है वो होती है लैक्टोज, कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। तो जो लैक्टोज शुगर होती है जो मिल्क से प्राप्त होती है वो लैक्टोज शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। और लैक्टोज का फार्मूला क्या है, C12H22O11। और यही शक्कर अगर हम लैक्टोज की ना लेकर, आपको बता दें गन्ने की शक्कर होती तो गन्ने की शक्कर को हम सुक्रोज कहते हैं, गन्ने की शक्कर को क्या कहते हैं, सुक्रोज, उसे केन शुगर कहते हैं, गन्ने से प्राप्त होती है। ऐसे ही फलों से प्राप्त होने वाली शक्कर को क्या कहते हैं, माल्टोज, फलों की शक्कर को माल्टोज कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी दूध की शक्कर को, जो दूध में जो जो शुगर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उस शुगर को कहते हैं लैक्टोज, ओके बच्चों। तो लैक्टोज का फार्मूला क्या, जल्दी से बताइए, C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। खासकर कोई भी शुगर हो, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, और गन्ने की शक्कर को सुक्रोज, फलों की शक्कर को माल्टोज, और ये जो शक्कर है मिल्क में पाई जाने वाली शुगर का नाम लैक्टोज है। तो लैक्टोज का फार्मूला भी वही होगा, C12H22O11। हाँ, जब इस शुगर को हम खुला छोड़ते हैं, खुला छोड़ना का मतलब जानते हो, जब हम इसको गर्मियों में हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको रख देते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन ये है। तो जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टोज शुगर आपकी किस में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड में, किस में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड में। तो जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में बदल गई, इसका मतलब क्या हुआ वो आपको हम बताते हैं क्या हुआ। जो लैक्टोज होता है C12H22O11, ये हमारा लैक्टोज शुगर है, मिल्क शुगर, इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये मिल्क शुगर है। और ये मिल्क शुगर जो, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लैक्टोज शुगर होती है वो ऑक्सीडेशन, गर्मियों में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, क्या होता है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन होने लगता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ओके। तो पहले था C12H22O11, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन होने से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या, C OH CH OH CH3। तो अगर इस फार्मूले में देखो, जहाँ पर C OH होता है, अगर हम आपको बता दें जहाँ पर C OH होता है वो उसे एसिड कहते हैं, खासकर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ, गर्मियों में जब हम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है, आपने सुना होगा उसमें एकदम, जब दूध क्यों फट जाता है, उसका रीज़न क्या है कि दूध में गर्म करेंगे तो हर गर्मियों में क्या होता है, जितनी भी शुगर है वो ऑक्सीडाइज होकर उसमें कुछ लैक्टिक एसिड बना देती है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है, तो जब गर्म करते हैं तो इसकी वजह से वो दूध फट जाता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मिल्क में मिल्क शुगर कन्वर्ट इंटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड हाई टेम्परेचर पर बन जाता है, ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। अब यही प्रोसेस सर्दियों में जल्दी नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन केमिकल चेंज हो रहा है, तो क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो रहा है, पहले सुक्रोज का ये फार्मूला था लैक्टोज का, और वो बाद में लैक्टिक एसिड बदल गया, तो फार्मूला चेंज हुआ कंपोजिशन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो सर्दियों में ऑक्सीडेशन स्लो होता है, गर्मियों में तेज होता है, तो गर्मियों में लैक्टिक एसिड जल्दी बनता है, इसलिए दूध जल्दी फट जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कि क्या होता है जब जब दूध को यानी मिल्क को खुला छोड़ देते हैं गर्मियों में,
तो रूम टेम्परेचर पर तो क्या होता है, दूध लोग लिखेंगे दूध फट जाता है, मिल्क इज़ मतलब मिल्क सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है गर्मियों में, SOUR। क्वेश्चन आता है मिल्क खट्टा क्यों हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है कि सर लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो आपको ये लिखना होगा सर C12H22O11 मिल्क शुगर में ये सुक्रोज सॉरी लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज शुगर होती है, वो शुगर ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है उसका फार्मूला C(OH)CHOH(CH3), इसके बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। आपको ये आंसर लिखना होगा मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो रीजन लिखो मिल्क इज़ लेफ्ट ड्यूरिंग समर मिल्क विल बी सोर SOUR, सोर्ड हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा हो जाएगा। ये था इसका आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एग्जांपल दिया है, एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर। ओके, यानी आपके सामने लिखा जो आयरन का तवा नहीं, जो जिस पे रोटी बनाई जाती है, वो आयरन का तवा या पेन या नेल जो भी है, लोहे की कोई भी चीज़ को आप खुला छोड़ दीजिए, खासकर नम युक्त वायुमंडल में यानी ह्यूमिड एटमॉस्फियर में आप छोड़ दीजिए, जहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर भी हो, तो क्या होता है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हमने अभी NCERT बुक से दिखाया था, एन आयरन तवा पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर। जब लोहे की कोई भी चीज़ को अगर आप नम वायुमंडल में रखते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फियर में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस वेन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन। हाँ, बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई इसकी बैलेंसी कैसे, फार्मूला कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं, इसको समझने के लिए, बेसिक चीज़ को समझने के लिए आपको अब्बा रूल, बोरवरी रूल, आपको केमिकल रिएक्शन, तो आप धीरे धीरे समझेंगे, पहले आप स्टार्टिंग करिए, मैं आपको आगे बताऊँगा। आयरन के फार्मूला करते हैं तो Fe है आपके सामने, Fe, पहले तो आप ध्यान रखिए, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं, ऑक्सीजन गैस है, मॉलिकुलर फॉर्म में है, अकेला एक ऑक्सीजन होता तो एटम होता, ये मॉलिकुलर फॉर्म में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, ये आपका हो गया ह्यूमिड एटमॉस्फियर। ओके, ह्यूमिड माने नमी और एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन गैस होगी, तो आयरन जब ह्यूमिड एटमॉस्फियर से रिएक्शन करेगा तो भाई ब्राउन कलर का सरफेस पे जंग लग जाती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने पढ़ा भी होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कहते हैं हिंदी में, लोहे पर जंग लगना। जंग कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, तो लोहे पे जंग लग जाती है, तो इसे हम कहते हैं रस्ट, रस्ट लग गई, तो जो रस्ट होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपसे कोई पूछे रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का एग्जाम्पल होता है, कोरोजन जिसे कहते हैं, तो लोहे पे क्या होता है, लोहे की लेयर होती है लेकिन उस पर ब्राउन कलर की, अगर आप ध्यान से देखें, ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है और उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जैसे लोहे का पीस है, ये लोहे का कोई हमारा आर्टिकल्स है, लोहे का आयरन का Fe का फार्मूला है इसका, इसके ऊपर एक एक लेयर बन गई Fe2O3 × XS2O, तो इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरी, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रेटेड माने वाटर और फेरिक ऑक्साइड ये हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एन आयरन तवा नेल पेन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर, तुरंत आप लिखे कहेंगे ए ब्राउन कलर्ड लेयर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, चीज़ों को बनाना सीखिए। आपसे पूछा गया कि लोहे को जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या होता है, जब लोहे को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तब जो है लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है Fe2O3 × XS2O, जिसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, वह एक जंग कहते हैं हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में रस्ट कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे कोरोजन भी कहते हैं। लोग कहते हैं नहीं, कोरोजन क्या होता है, अनवांटेड प्रोडक्ट जो बन जाता है ना सरफेस पर किसी के, उसे कोरोजन भी कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जंग लगना, समझ में आ गया, Fe2O3 × XS2O, ये जंग का फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है। कुछ लोग इसका फार्मूला ये भी बताते हैं FeOH का होल थ्राइज, हाँ भी ये भी हो सकता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपके सामने। अभी हम आपको थोड़ा सा आयरन की बैलेंसी के बारे में बताते हैं। आयरन की बैलेंसी समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रस्ट के फार्मूला में आयरन आया था, तो इसलिए इसकी बैलेंसी बताते हैं।
आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। आयरन की दो वैलेंसी होती है, प्लस टू और प्लस तीन। प्लस टू को फेरस कहते हैं, प्लस थ्री को फेरिक आयन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फेरस और फेरिक आयन की, तो ये प्लस टू वाला फेरस है और प्लस थ्री वाला फेरिक आयन है। और रस्ट का फार्मूला क्या था? कम में एस लगाते हैं, ज़्यादा में एक लगाते हैं, फेरस फेरिक। और ये जो चार, ये वैलेंसी भी है, अगर प्लस ना हो, प्लस लगा दिया तो इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो फेरस आयन प्लस टू है, फेरिक आयन प्लस तीन है। रस्ट का फार्मूला क्या था? एफ ई टू ओ थ्री इंटू एक्स एस टू ओ। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। कैसे? जब प्लस तीन वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन पे दो होती है, आपको पता है आयरन की तीन वैलेंसी, प्लस में मेटल है, ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज होता है। क्यों होता है ऑक्सीजन पे माइनस टू? ये भी पता होगा आपका, ऑक्सीजन के पास एट होते हैं, 2.6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, तो 8 करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो इसकी दो वैलेंसी यहाँ लिख दी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस तीन है, तो वैलेंसी तीन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ ई टू ओ थ्री, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, ये बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड, एफ ई टू ओ थ्री। फेरस ऑक्साइड क्या? आप इसकी दो वैलेंसी, इसकी दो वैलेंसी, दो दो कट गए तो एफ ई ओ बन गया। तो जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, याद रखना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इन दोनों में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस तीन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो प्लस तीन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो भाई हमने प्लस तीन लिख दिया। तो इसलिए रस्ट के फार्मूला में आयरन का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो प्लस तीन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, सबसे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक ऑक्साइड। और वाटर के मॉलिक्यूल्स ये पता नहीं है कितने लगे, 3, 4, 5, तो ये हाइड्रेटेड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही रस्ट कहते हैं। व्हाट इज़ द रस्ट? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, अगर यहाँ एफ ई ओ होता तो फेरस ऑक्साइड होता, जबकि हमें पता है जब किसी का ऑक्सीडेशन होता कम्प्लीटली तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होती है। तुम कहोगे सर हाइयर क्या होता है? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस टू प्लस तीन, तो हाइयर कितनी है? प्लस तीन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रस्ट के फार्मूले में, जैसा कि आपको बताया, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बनता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर यहाँ एफ ई टू कर दें, ये ओ एच का उल्टा है, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड। अभी तीन लगा दिए तो इसका नाम क्या हो गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को अगर चेंज करो तो इसको एफ ई टू ओ थ्री इंटू थ्री एस टू ओ बैलेंस है, तो ये रस्ट का फार्मूला कहीं ना कहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड से बना, दिस इज ए फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसी को, फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम लिख सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज ए रस्ट। तो जब लोहे को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखोगे तो भाई रस्ट बनेगा, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें दिया गया एग्जांपल, पहला था मिल्क इज ए लेफ्ट रूम टेम्परेचर, दूसरा था आयरन तवा पैन नेल इज ए लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, थर्ड है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी ग्रेप्स माने अंगूर। अंगूर जब फर्मेंटेड होते हैं तो क्या होता है? फर्मेंटेशन तो बायोलॉजिकल चीज़ भी है, केमिस्ट्री में भी कई जगह है। फर्मेंटेशन जानते हो, एक तरह से चीज़ को सड़ना, जब चीज़ सड़ती है ना, रेंसिड होती है, तो वो फर्मेंटेड होती है। अब तुम कहोगे क्या होता है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, इसका मतलब है ग्रेप्स में क्या होता है? माल्टो शुगर होती है, माल्टो शुगर। और माल्टो शुगर क्या होती है? आपको पता, फ्रूट में माल्टो शुगर होती है, शुगर का फार्मूला C12H22O11 होता है। तो क्या होता है, जो आपने सुना होगा वाइन वगैरह बनाई जाती है, जिसे शराब कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले जनरली क्या हो, इन चीज़ों को लोग ऐसे सड़ने के लिए रख देते थे, हाँ, और सड़ने के बाद जो बचता था वो एल्कोहल होता था। तो कहने का मतलब, अगर तुम आटा को गर्मियों में रख दो माड़ के, लोग रख देते हैं आटा, मतलब तो शाम तक वो तुमने कहीं स्मेल आती है, सब्जी ख़राब हो जाती है, तो ये सब फर्मेंटेशन तो है ही, इसी को रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। अरे भाई, अगर ध्यान से देखो, माल्टो शुगर है, इसमें एक क्या होता है, फर्मेंटेशन होता क्या है? फर्मेंटेशन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ये देखो, देखने में बड़ा मॉलिक्यूल है, C12H22O11, इसमें सी कितने हैं? दो, कार्बन दो है, इसमें कार्बन 12 थे। जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसको कहते हैं हम एंजाइम्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट कौन होते हैं? तुम दौड़ रहे हो, हम पीछे जाके लाठी मार दें या पीछे कुत्ता पड़ जाए, तो कुत्ता क्या होगा? एंजाइम कैटलिस्ट का काम करेगा, तुम भागने लगोगे बहुत तेजी से एकदम। तो ये एंजाइम कैटलिस्ट हो गया। तो एंजाइम क्या हो गया? यहाँ पर आकर बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है और रिएक्शन स्पीड बढ़ गई, तो एंजाइम कैटलिस्ट हैं। एंजाइम तो फेमस हैं जो इन्वर्टेज और जाइमेज होते हैं, जो शुगर को, शक्कर को सीधे किस में बदल देते हैं? एल्कोहल में। एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH।
और ये इन्वर्टेज जाइमेज ईस्ट, ईस्ट मेन सोर्स होता है एंजाइम कैटलिस्ट का। एंजाइम कैटलिस्ट को हम बाय कहते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। द अनदर नेम ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट इज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इनका काम होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलना, तो ये फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ग्रेप्स जब फर्मेंटेड होते हैं तो एल्कोहल बनता है। इसका आंसर हो गया एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, फूड इज कुक्ड। जैसा कि ये लिखा फूड इज कुक्ड, क्या होता है जब भोजन पकाया जाता है? कुकडिंग, कुकिंग तभी होती है जब हीटिंग करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? तब बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। यू शुड राइट डाउन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हेन या व्हेन फूड इज कुक्ड। इसमें क्या होता है? फाइबर मटेरियल होता है कुक्ड में, वो सब डाइजेस्टिबल बनने के लिए फूड में चेंज होता है। तो इसमें हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। क्या होता है जब भोजन हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टेड होता है? तो उसमें एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं शरीर के अंदर हमारे, जिसे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, वो जाके खाने को पचाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे, जैसे लार्वा में या कई अंदर जाएगा, पेट के अंदर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ जो भी एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम कैटलिस्ट भोजन को पचाने में मदद करते हैं। भोजन कैसे पचता है? यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन होता है, और ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है भाई। बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, ये हमारे ये क्या करते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बी रेस्पायर, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? तो जब हम सांस लेते हैं तो भोजन पचता है, ओके, और CO2 गैस निकलती है और H2O में चेंज होता है। तो जो अब भोजन के रूप में हम एग्जाम्पल रूप में आपको बता सकते हैं, वी रेस्पायर क्या होता है? अगर हम जब हम सांस लेते हैं, खाना खा लिया, जैसे रेस्पायर करते जब हम सांस लेते हैं तो कम्बशन होता है, आपको बता दें। बड़े ध्यान समझना, दिस इज ए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 2021। ओके, इसमें क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन वी रेस्पायर। ओके, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? सांस में क्या जाती है? ह्यूमन में ऑक्सीजन जाते हैं, हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन। तो भोजन हम किसे मानते हैं? फूड, हम ग्लूकोज को फूड मानते हैं, C6H12O6, ये हमारा भोजन है, यानी गुड फूड है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले ली हमने, तो जो अंदर खाना है जिसे हम फूड कहते हैं, C6H12O6 है, वो उसका क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, कम्बशन होता है। कम्बशन में हमेशा याद रखना, सी से CO2 बनता है, एस से H2O बनता है, सी से CO2 बनता है, एस से H2O बनता है, याद रखना। जैसे हम कोयले को, कार्बन को किसी का कम्बशन करें तो कम्बशन करने पर कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। हाइड्रोजन का कम्बशन करेंगे तो हाइड्रोजन का कम्बशन करने पर H2O बनता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कम्बशन कराओ तो याद रखिए क्या बनेगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा, और प्लस हीट या एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी से हमें एनर्जी, शरीर में एनर्जी मिलती है, उससे हम काम करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो फूड या ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है, जब हम उसको ऑक्सीजन देते हैं तो वो CO2 और H2O में बदल जाता है। अब तुम कहोगे कैसे बदल गया? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, कार्बन या कोयला को जलाओ तो सी से क्या बनेगा? CO2। हाइड्रोजन गैस को जलाइए, कम्बशन में ऑक्सीजन देनी पड़ती तो H2O बनता है। तो सेम चीज़ याद रखिए, जिस मॉलिक्यूल्स में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो सी होगा तो CO2 बदल जाएगा, एच है H2O बदल गया, बल लिख दिया। हमने क्या किया? सी को CO2 बदल दिया, एच को H2O बदल दिया। ये रिएक्टेंट है, एरो है, ये एरो के इस साइड में जो चीज़ें होती हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब इसमें रिएक्टेंट कौन होता है? ये देखो, जब एरो के इधर रिएक्टेंट होते हैं और जब गिब्स आउट में, इसे गिब्स कहते हैं, क्या देगा? ये प्रोडक्ट दे रहा है तो ये प्रोडक्ट हो गया, और साथ में एनर्जी और मिल रही है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है, आपको समझ में आ गया? एनर्जी ऐसे मिलती है, आपके सामने दिख रहा होगा, भोजन जब को भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पाचन के लिए, अंदर डाइजेशन के लिए तो और भी चीज़ें चाहिए, एंजाइम कैटलिस्ट भी चाहिए जो शरीर में होते, लेकिन ऑक्सीजन जाएगा उससे कम्बशन होगा, कम्बशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिना कम्बस ऑक्सीजन के कम्बसन नहीं हो गया। एक माचिस की तीली को भी जलाइएगा, ऑक्सीजन नहीं एयर में होगी तो नहीं जलेगी। जैसे तुमने देखा पहले क्या होता, चूल्हे वगैरह में हम ट्रेडिशनल देखा होगा, खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लकड़ी लगा देते हैं, उसको फुकनी से फूकते हैं, अगर हम फूक उसमें अगर एयर नहीं जाएगी तो वो जलेगा नहीं, तो इसलिए कम्बसन हो रहा है। तो देखो, सी से क्या बन गया? CO2। एस से क्या बन गया? H2O, प्लस एनर्जी मिल गई।
अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं देखिए, अब बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, 6 रिएक्टेंट है कार्बन के, 6 तो हमने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए भाई 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने, 12, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 टू 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट में देखो, 6 दूनी 12 और 6, 6 12 और 6 18, इधर ऑक्सीजन 18 है इधर ऑक्सीजन 6 है, तो इसमें अपने आप मल्टीप्लाई किसका कर दें, 6 का, 6 टू 12, 12 और 6 कितने हो गए इधर। अब हमारे पास रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट एक तरफ होता है, एक तरफ क्या होता है प्रोडक्ट होता है, और इधर क्या है एलिमेंट्स होते हैं, इधर हमारे एलिमेंट हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट है कार्बन के, शुरू में देखिए ये सब हटा दीजिए, स्टार्टिंग में देखिए कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, इधर प्रोडक्ट में कार्बन एक, प्रोडक्ट हमें पता था CO2H2 बनेगा एक एक, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 3, बैलेंस करो, बैलेंस करने में कार्बन 6 है यहाँ पर, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन 6 हो गए। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 12 हैं, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 12 इधर भी 12 हो गए, बैलेंस हो गया दोनों चीज़ें। अब हम ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, इधर ऑक्सीजन कितने प्रोडक्ट में 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, इधर हमारे देखिए प्रोडक्ट में 18 है, इधर कितने 6 और ये कितने हैं ऑक्सीजन 2 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसते का कर दें 6 का, 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ भी 18 हो गया, तो इस तरीके से ये इस तरीके से रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट के एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स अगर बराबर होंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी। ओके तो इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो कम्बस्शन रिएक्शन है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ कम्बस्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। कोई पूछे रेस्पायर करते तो क्या होता है, कम्बस्शन होता है, कम्बस्शन एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए दीज आर द केमिकल चेंजेस, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए यदि आपको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।